नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24 में आपके साथ कुसुम मिश्रा। आइए बढ़ते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर उचाना से। कांडला गुजरात से चले दो विशालकाय बॉयलर पानीपत रिफाइनरी के लिए नरवाना शहर से गुजरे तो बॉयलर को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लगभग 450 टायर वाला वाहन जब अपने ऊपर 1016 टन का बॉयलर लेकर शहर के बीचों बीच निकला तो रेल की तारें हटाकर रेल को रोकना पड़ा। वहीं हाईवे भी इसके कारण जाम हो गया, जिसको देखते हुए शहर की बिजली भी गुल करनी पड़ी। शहर से बॉयलरों को क्रॉस करने में जहां पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, वहीं प्रशासन के भी कहीं ना कहीं पसीने छूट गए, क्योंकि रेलवे अधिकारी भी जब तक बॉयलर नहीं लेकर गुजरे ट्रैक पर ही खड़े रहे। वहीं सिविल के कर्मचारी व अधिकारी भी कहीं ना कहीं हाईवे पर ही खड़े नजर आए। जब बॉयलर रेलवे की फाटक को क्रॉस किया तब जाकर प्रशासन को चैन की सांस मिली। बड़े बड़े बॉयलर आ रहे हैं और ये कांडला एयरपोर्ट से आए हैं और पानीपत रिफाइनरी में जा रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े बॉयलर दिखा रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और इस तरह अगर देश चलता रहा विश्व में नंबर एक पर हिंदुस्तान होगा। नरेश कुमार, गांव बेलर का। ये जो कांडला पोर्ट से आए हैं और ऐसे ऐसे बढ़िया प्रोजेक्ट और बड़े प्रोजेक्ट हमारे हरियाणा प्रदेश में लगेंगे, बेरोजगारी भी दूर होगी और हमारा प्रदेश स्टार्ट हुआ है जी। सूरत से एलएनटी हसिया लार्सन एंड टूब्रो इस टाइप का प्रेशर वेसल बनाता है और वहाँ उन्हीं की ही अपनी जेटी है, मतलब उनको खुद का समुद्र का किनारा मिला हुआ है। तो वो समुद्र के किनारे से एक बड़ा पोर्ट है कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट पे आ गया और उसके बाद आने के बाद कांडला पोर्ट पे इसको हमने बाज में से उतार दिया एक्सल पे और फिर वहाँ से ये अप्रैल से स्टार्ट हो गया चलना, मार्च एंड से फिर IOCL रिफाइनरी जाना है। तो बस इसका ये IOCL पानीपत का एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में लगने वाला कार्ड। बहुत समस्याएं हो जाती हैं, बीच में निकलती रहती हैं, शॉर्ट आउट भी हो जाती हैं।